सिचुएशन बा परिस्थिति उनका जो आपका पर्सन है उसका बदल चुके थे पहले जो पास्ट में थे, ठीक है, वो मुड़ के नहीं देखे। सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाई जैसे आप लोगों ने सोचे थे, ठीक है। जैसे कोई भी सपने हो जो आप दोनों एक साथ देखने की सोचे थे, ठीक है, आप लोग सजाए थे सपने का घर, सपना कुछ भी आप दोनों एक साथ सजाए थे, कुछ ठीक नहीं गए पास्ट में, कहीं ना कहीं ये पर्सन उस सिचुएशन से खुद को दूर ले गए थे आपको छोड़ के। सब कुछ बोलेंगे, पूरा वीडियो देखना। 101 रुपीस पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ, काउंसलिंग, थेरापी, हीलिंग सब कुछ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा नंबर है, ओके। और नए आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ओके। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कार्ड से, ये जो पर्सन है, ये जो आपका डीएम है, ये जो पर्सन है आपका, मूव ऑन क्यों किए पास्ट में, वो क्लैरिफाई आज पूरा करेंगे, ओके। पहले आपका जो पार्टनर जैसे आपको सपोर्टिव करते थे, जैसे आपका बातें का ध्यान रखते थे, उसको रिश्ते का जो देखने का जो तरीका है ना, वो पहले जो थे अभी बदल गए। एक दूसरे के लिए जो भी कुछ सपना आप लोग देखे थे वो सपना भी बदल गया। क्यों? जो भी सर्कमटेंस आपके दोनों के बीच में आ गए थे, ठीक है, आप जानते हो अच्छी तरह, वो कोई एक को ख़त्म करना चाहिए था बट कोई एक ख़त्म नहीं कर पाए हो और ब्लेम एक दूसरे को दिए हो। कभी कभी ये आपका भी कुछ गलती है, उसका भी कुछ गलती है, इतने दूरियां बढ़ गए थे और उन्होंने मूव ऑन कर लिया। किसी किसी अचानक सा जोर से झगड़ा हुआ, क्यों हुए, कैसे हुए, मोमेंट ऐसे हो गया, आप चाहते नहीं थे, वो चाहते नहीं थे बट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे किसी किसी का परिस्थिति भी आ चुके हैं। ऑल ऑफ सडन आपके दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए, कुछ लड़ाई हुए अचानक से, ओके। कोई भी फीमेल है जो आपके जो पर्सन है उसके घर में है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर उस फीमेल की वजह से आप दोनों के अंदर इतना झगड़े का कारण हो चुका है। कुछ भी करके, जैसे भी तैसे करके आपने शायद कुछ बोल दिया बट नहीं भी बोले हो, ठीक है, बट आप दोनों के ये जो डिस्टेंस आया ना, इस कोई फीमेल के वजह से, क्योंकि ये कार्ड आया है, ठीक है। ये जो फीमेल है ये चाहते नहीं है आप दोनों मिल जाओ, ठीक है, ये चाहते नहीं है आप दोनों मिल जाओ, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे फाइट हुए हैं, बहुत सारे झगड़े हुए। हो सकते आप कभी फ़ोन किए हो तो वो क्या किया, घर में कोई थे, काट कर दिया, इसमें भी हो सकते हैं। बा काट नहीं भी किया, पकड़ नहीं रहे थे क्योंकि उसका फैमिली, तब झगड़ा हो जाएंगे, ठीक है। किसी ना किसी लेडी के वजह से ये झगड़ा, ये फाइट, ये दूरियां हो चुके हैं, बा हो रहे हैं, ओके। बा कोई भी थर्ड पार्टी है जिसके बात ये अभी सुनते हैं, बस सुन रहे थे, इसके लिए इतने सारे झगड़ा हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, ओके। देखो जितने भी नेगेटिविटी आ चुके हैं ना, ये नेगेटिविटी किसी के थ्रू क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, क्रिएट किया गया है। ये जो पर्सन है ऐसे नहीं है, ये आपसे बहुत चाहते हैं अभी भी, ठीक है, बट कुछ सिचुएशन क्रिएट किए गए हैं, कोई फीमेल दोस्त भी हो सकते हैं इसका, ठीक है, जो चाहते नहीं है आप इससे बात करो। हो सकते हैं ये जो आपका पर्सन है, आपका पर्सन उसका क्रश है, ठीक है, ये हो सकता है। क्योंकि टावर में आप दोनों शामिल नहीं हो, कोई और फीमेल शामिल है, क्लियर। बट अभी जो कार्ड निकल के आए हैं, जो आपको पास्ट में छोड़ के गए थे, ठीक है, ये तो पास्ट हो चुका है, प्रेजेंट में वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आप दोनों की फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। ये आपका डीएम चाहते हैं, आपका पर्सन चाह रहा है, ठीक है, ये जानते हैं आप कैसे हो, अभी उसको नॉलेज धीरे धीरे करके गेन हो रहा है, ठीक है। किसी को दूर जाने से और भी ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए तो बोलते सेपरेशन आना जो ज़रूरी है, ठीक है।
आपके जो पर्सन है, आपके जो डीएम है, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में अभी रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। ये रोमांटिक कनेक्शन कोई लास्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग सा प्रेम है, सुकून है। आप दोनों पहले जैसे सुकून में दोनों आते थे, ऐसे ही चाहते हैं। बीच में किसी को भी, आपका जो डीएम है, आपका जो पर्सन है, अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी। जितने भी क्लोज रिश्तेदार हो, जितने भी क्लोज फैमिली हो, जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो, अभी वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे आप दोनों के बीच में आने में, ओके। जो इन्होंने आपको पास्ट में आपको लगे थे धोखा दिया है, तो उस हिसाब से बोल रही हूँ, आपको चीट करके, आपको धोखा दे के, आपको लगे थे ऐसे चले गए थे, वही इंसान सब कुछ ठीक करने के लिए आ रहे आपके पास। सो तैयार रहो, ओके। वही रिश्ता वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स है। आपके जो पर्सन है, ये लग रहा है मैं जो रिश्ते को पहले छोड़ के गई हूँ, पास्ट में छोड़ के गई हूँ, बा गया हूँ, ठीक है, वो ही रिश्ता मुझे चाहिए। क्योंकि ये लड़की अलग है, ये लड़की सबसे अलग है। इसको पास जाके मुझे सुकून मिलते हैं, और कुछ बुराई तो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, ये फील कर पा रहे अंतरात्मा से। वही लड़की है जिससे मैं हील होती हूँ, वही लड़की है जिसे मुझे प्यार मिलते हैं, मुझे सुकून मिलते हैं, मुझे जो समझते हैं, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ते, सो समझ जाते हैं। वही लड़की आपको चाहिए, मीन्स उसको चाहिए आपको, ठीक है। वही लड़की उसे चाहिए, आपको चाहिए उसे। बहुत क्रेविंग फील कर रहा है। पॉजिटिव क्लेम आप लोग कर सकते हो कमेंट पे, है ना। वो आपके पास आने आने से डर भी रहे हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, कौन सा मुंह लेके वो आपके पास आएंगे, आप रिजेक्ट कर दोगे तो बहुत कुछ ना उथल पुथल उसके दिमाग बोलो, बॉडी बोलो, सब में हो रहा है, ठीक है। बट वो चाहते हैं, एकदम ठान लिया है मैं आऊँगी। बट फिर भी डर तो देखो, एक डर लगता है। वो चले गए थे ना, वापस आएंगे तो आप ट्रस्ट करोगे उसे, ये उन्होंने सोच रहे हैं, ठीक है। आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कर करके भी कोई किसी किसी का डिलीट कर रहा है, ठीक है। इस समय आपका जो पार्टनर है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, खुद का गिल्ट सबके पास से, इतना नफरत उसको मिले है आपको छोड़ के जाने के बाद, ठीक है। वही एक ट्रॉमा हो जाता है ना, उससे गुजर रहा है, और बीच बीच में आने के लिए कोशिश भी कर रहा है, पर बीच बीच में वो पोस्टपोन भी कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा शर्म वाली जो फीलिंग्स है, शेम वाली जो फीलिंग्स है, उसके अंदर भर चुका है। मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ, क्यों वो मुझे अपनाएंगे, मैंने गलत किए थे, वो खुद को गलत मान रहा है इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, नहीं तो जिधर भी हो, ब्लॉक हो, फिर भी वो दूसरे अकाउंट से, दूसरे नंबर से आपको नज़र एकदम स्ट्रांगली देकर देख रहे हैं, ठीक है। किससे बात कर रहे हो, किससे कमेंट्स कर रहे हो, किसका कमेंट्स दे रहे हो, लव इमोजी, स्माइल इमोजी, कौन सा, कैसे रिएक्ट, सब कुछ आप सोचते हो, कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, जब रिलैक्स टाइम होते हैं। किसी किसी का फैमिली को डिवाइन मस्कुलाइन बा आपके पर्सन बोल चुके, आपके बारे में बात कर चुके थे, इसलिए पहले इतना प्रॉब्लम हुए थे, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है आपका, आप दोनों के अंदर एज गैप हो सकता है, आप दोनों का कास्ट अलग हो, ठीक है, कुछ भी तो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो जो जो आपका पर्सन है, इसका फैमिली वाले हैं लेडी, किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम है, तो बट वो एकदम आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, जितने भी क्लोज कोई भी हो, ठीक है। आपके जो पर्सन है, पा जो टीएम है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं, ये ना बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, बट बहुत मन है आपके पास आने के, बट आप उससे पौध से बाहर हो, ठीक है, हाथों से बाहर हो। वो कैसे पहले वाला जो स्पार्क है जलाए, कैसे आपको मनाए, ये किसी किसी का आ रहा है ना, ज़रूर कमेंट पे लिखना, ठीक।
ठीक है, थोड़ा सजेशन भी दे देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहे हैं, आएंगे आएंगे 1 मंथ के अंदर बा किसी किसी। देखो सब कुछ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे हो, कैसे सोच रहे हो, ठीक है। तो आने का चांस बहुत है, तो बैलेंस रहो। हो सकते हैं ये आपसे पास्ट में आपको डंप कर चुके थे, आप जानते हो डंप कर चुके हैं, है ना। ये आपको सपने दिखा के सपने तोड़ के गए थे, ये आपको जो आप सोचा भी नहीं था वो आपसे इतना दिल ब्रेकअप आपका कर दिए थे, बट ये बदल रहे हैं, ये बदल चुके हैं। इसका ना अभी टाइम पास नहीं, एकदम कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, ठीक है। इसका अलग मैच्योर हो चुके हैं, जो चाइल्डिश बचकानी हरकत पहले थे वो नहीं है, वो आप अलग देखोगे उसे, ठीक है। ये बहुत प्यार करते इस वक्त आपको, ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है, और किसी किसी का खुद को जो फेमिनाइन हो बा आप हो उसका भी 24 आवर्स DM को बा आपको पर्सन को याद आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भी आपको सोच रहे हैं, ओके। तो गाइस वीडियो आज इतने तक। यस मैं 101 रुपीज ले रही हूँ, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, थेरापी सब कुछ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा सिर्फ नंबर है, कमेंट पे मैं नंबर नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो अच्छे रहो, अच्छे सोचो, सबको प्यार करो, खुद को तो ऑब्वियसली करते ही हो, एनिमल्स को प्यार करो, यस, और मुझे भी, है ना। लव यू सो मच, टाटा।